नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि आप Amazon Pay का UPI पिन भूल गए हैं तो कैसे नया पिन क्रिएट करें, कैसे उस UPI पिन को फॉरगेट करके एक नया पिन सेट करें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब के आपके पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अमेजन में अपने UPI पिन को फॉरगेट करने के लिए और एक नया UPI पिन सेट करने के लिए ओपन करते हैं अपने अमेजन शॉपिंग एप्स को। दोस्तों अमेजन में UPI पिन फॉरगेट करना बड़ा ही सिंपल काम है। इसके लिए आपको उस बैंक का ATM कार्ड होना चाहिए जिस बैंक से आप UPI पिन क्रिएट किए हुए हैं। अगर आपके पास उस बैंक का ATM कार्ड है तो आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। UPI पिन को फॉरगेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा इस तीन लाइन पे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन लाइन बना हुआ है, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा अमेजन पे, यहाँ पे लिखा हुआ है अमेजन पे, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। अब दोस्तों अमेजन पे पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपका UPI ID होता है, आपका मोबाइल नंबर @APL लिखा होता है, यही आपका UPI ID होता है। तो अपने अमेजन पे का UPI पिन फॉरगेट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा अपने ID के पास। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि स्कैन UPI QR, सेंड मनी, पेंडिंग UPI ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे आपको नहीं क्लिक करना है, आपको आ जाना है सबसे नीचे की तरफ। यहाँ पे आपकी बैंक अकाउंट का लास्ट का 4 डिजिट होता है और उसके नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है मोर बैंक अकाउंट ऑप्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है मोर बैंक अकाउंट ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, चेक अकाउंट बैलेंस, चेंज UPI पिन। यदि आप अपने UPI पिन जानते हैं और उसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा चेंज UPI पिन। लेकिन हमें अपने UPI पिन को फॉरगेट करना है, हम अपना UPI पिन भूल गए हैं, इसलिए हमें UPI पिन को नया सेट करना है, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा फॉरगेट UPI पिन। अब दोस्तों यहाँ पे आपकी बैंक का लास्ट का 4 डिजिट होता है और उसके बाद यहाँ पे आपका UPI ID होता है। यहाँ पे दोस्तों अपने ATM का लास्ट का 6 डिजिट डालना होगा और उसके बाद यहाँ से अपने ATM का एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपका ATM किस मंथ में एक्सपायर हो रहा है, और इसके बाद यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों ये दोनों डिटेल ATM पे लिखा हुआ होता है, आप ATM को देख लीजिए और यहाँ पे वो डिटेल को आप फिल कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे मैं अपना ATM का डिटेल फिलअप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपने ATM का लास्ट का 6 डिजिट डाला हूँ और इसके बाद एक्सपायरी मंथ यहाँ पे डाला हूँ और उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी ईयर। इसके बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे सेट योर UPI पिन पे, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OPT जाता है, ये OPT ऑटो यहाँ पे फिलअप हो जाता है और उसके बाद यहाँ पे अपना UPI पिन डालना होता है, नया पिन यहाँ पे आपको डालना होता है। तो मेरे मोबाइल पे ये मैसेज आ चुका है और ये OPT को यहाँ पे हमें डालना है और इसके बाद यहाँ पे नया पिन डालना है, और ये पिन को आप याद कर लीजिएगा, फ्यूचर में आप जब भी ट्रांजेक्शन कीजिएगा आपको वो पिन को ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपना उस OPT को फिलअप कर रहा हूँ। यहाँ पे OPT फिलअप कर देने के बाद यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाता है, इसके बाद यहाँ पे अपना नया UPI पिन डालना है। अपने अनुसार से आप नया कोई UPI पिन बना लीजिएगा, यहाँ पे मैं अपना पिन को डाल रहा हूँ। यहाँ पे नया पिन डाल देने के बाद हम क्लिक करते हैं इस टिक मार्क पे। अब इसके बाद यहाँ से आपको फिर से वही पिन डालना होगा जो अभी आप इंटर किए हैं, कंफर्म करने के लिए आपको वही पिन फिर से यहाँ पे डालना होगा। तो मैं यहाँ पे वही पिन यहाँ पे फिर से डाल रहा हूँ। अब आपको क्लिक करना होगा इस टिक मार्क पे, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। अब दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे UPI पिन इज सेट सक्सेसफुली, मतलब कि हमारा नया पिन सेट हो चुका है और हमारा UPI पिन फॉरगेट होके एक नया पिन सेट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप अमेजन पे में बड़े आसानी से अपने UPI पिन को फॉरगेट कर सकते हैं, फॉरगेट करने के बाद नया पिन को भी सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।